students, welcome in the lecture on metal carbonyls. Especially we are talking about vibrational spectra. Okay, तो बच्चों आपका स्वागत है इस मेटल कार्बोनिल के लेक्चर में, जहां पर आप हम डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को. और स्पेशली यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने पीक्स आएंगे. तो इससे पहले इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर कितने पीक्स आएंगे कार्बोनिल्स के केस में, और अगर वो एक ट्राइगनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें कितने पीक्स आएंगे. उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम देख रहे हैं कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके केस में कितने पीक्स आएंगे. ओके, एक फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं जहां पर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है. ओके, अब टेट्राहेड्रल में हम क्या देखेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे कि वो एक डाइकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है. उसमें जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वहां पर दो लिगेंड्स के हैं, कार्बोनिल्स हैं. तो जब ये दो कार्बोनिल होंगे तो इसकी सिमिट्री कैसी होगी, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2V होगा. और अगर इसका पॉइंट ग्रुप C2V होगा तो ये करेक्टर टेबल है हमारे पास C2V की, और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए हम इसको शो कर सकते हैं. देखिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था और इसमें अगर हम C2V अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. C2V में हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, देखिए इसमें एक ऑपरेशन जो हम इसमें अप्लाई करेंगे वो होगा, वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा मैं इसमें ई अप्लाई जब हम करेंगे तो दो कार्बोनिल हैं तो दोनों अनशिफ्टेड होंगे, इसलिए यहाँ ई की वैल्यू क्या जाएगी, 2 आ जाएगी. जब हम इसमें जो है वो यहाँ पर एक्चुअली जो C2 है उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों जो हैं ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे एक पोजीशंस. सो 0 अनशिफ्टेड ग्रुप्स रहेंगे, यहाँ पर देखिए आप 0 अनशिफ्टेड ग्रुप्स हैं. अब अगर मैं आपको यहाँ पर सिग्मा भी दिखाऊं, देखिए बेटा आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ कि ये मॉलिक्यूल है. एक्चुअल में हम इसमें केवल कार्बोनिल को लेते हुए अगर हम चलेंगे तो इसको हम देखेंगे, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि C2V किस तरीके से होता है. देखिए C2V इस तरीके से, तो अगर मैं C2V अप्लाई करूंगी तो ये दोनों पोजिशन चेंज करेंगे. अगर मैं इसमें सिग्मा वी अप्लाई करूं, सिग्मा वी कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है जो इन दोनों कार्बोनिल के बीच में से होता हुआ जा रहा है. तो अगर कोई भी कार्बोनिल इस प्लेन में नहीं है तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. सो देयर इज नो अनशिफ्टेड कार्बोनिल, तो कोई भी अनशिफ्टेड कार्बोनिल नहीं है, कोई भी शिफ्टेड नहीं है, सो दोनों अनशिफ्टेड है, सॉरी दोनों की दोनों क्या है, शिफ्ट हो रही है. तो कोई भी अनशिफ्टेड कार्बोनिल ग्रुप इसमें नहीं है. अगर मैं इसमें दूसरा सिग्मा भी अप्लाई करूं, दूसरा सिग्मा भी क्या होगा, वो वाला सिग्मा होगा जिसमें कि ये कार्बोनिल्स जो हैं और मेटल ये तीनों होंगे. तो ये जो सिग्मा भी है वहां पर आप देखेंगे दोनों कार्बोनिल्स जो हैं वो इस प्लेन में हैं, इसलिए ये दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, इसलिए नंबर ऑफ अनशिफ्टेड ग्रुप्स कितने होंगे, 2. तो इस तरीके से हम एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं. जब हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल लेंगे तो आप जानते हैं कि जो C2V है उसका पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर है. तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो एक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूं. अगर मैं A1 की बात करूं तो 1/4, देन आप देखिए 1 × 2 × 1, तो कितना हुआ, 2 हुआ, 1 × 0 × 1 कितना हुआ, 0, देन 1 × 0 × 1 कितना हुआ, 0, देन 2 × 1 × 1 कितना हुआ, 2. तो आप देखेंगे ये क्या आ गया, A1. इसका मतलब A1 एक इसका इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरीके से हम A2, B1 और B2 के लिए भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 + B1. और जब हमें A1 + B1 मिलेगा तो हमें देखना है कि क्या A1 पर XYZ है, यस यहाँ पर Z है. क्या B2 में है, यस B2 में भी है. इसका मतलब है कि जो A1 और B2 है दोनों के दोनों क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे. और ये कितने पीक शो करेंगे, ये 2 पीक शो करेंगे. एग्जाम्पल हम देखेंगे ट्राई कार्बोनिल जब टेट्राहेड्रली अरेंज होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या होगा, C3V होगा. तो जब हमें पॉइंट ग्रुप पता है, ये C3V पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल है. और ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वी कैन डिफाइन, हम इनको डिफाइन कर सकते हैं. तो हमारे पास इस तरीके से 3 CO ग्रुप है. तो अब इसमें देखिए कौन कौन सी सिमिट्री अप्लाई करनी है, ऑपरेशन ई
अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो देर आर थ्री कार्बोनल्स, तो तीन अनशिफ्टेड ग्रुप्स होंगे। अगर मैं इसमें C3 अप्लाई करूं तो C3 अप्लाई करने से क्या होगा कि ये मैंने देखिए C3 अप्लाई की है तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों कार्बोनिल की पोजीशन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए अनशिफ्टेड ग्रुप्स कोई भी नहीं होंगे तो यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर मैं सिग्मा वी अप्लाई करूं, सिग्मा वी मैं कैसे अप्लाई करूंगी इस पर, ये सिग्मा वी होगा जो कि एक इस कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा और एक मेटल से होता हुआ जाएगा। तो एक सिग्मा भी ये है बच्चों, ऐसे ही दूसरा सिग्मा भी इस कार्बोनिल और इस मेटल से होता हुआ जाएगा और तीसरा सिग्मा भी इस कार्बोनिल और इस मेटल से होता हुआ जाएगा। तो आप देखिए इस प्लेन में ये कार्बोनिल है और ये दोनों कार्बोनिल दे कैन शिफ्ट देयर पोजिशन बट दिस कार्बोनिल रिमेन अनशिफ्टेड। तो जब मैं सिग्मा भी अप्लाई करूंगी तो एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड रहेगा और दो कार्बोनिल शिफ्ट रहेंगे, इसलिए यहां पर मैं क्या लिखती हूँ, अनशिफ्टेड कार्बोनिल ग्रुप। तो मुझे इस तरीके से ये एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिला। अब मेरे पास देखिए ये एक करेक्टर टेबल है, इसकी हेल्प से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि A1 क्या होगा बच्चों, A1 क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है पॉइंट ग्रुप का, 3+2+1 6, सो 1/6 देन 1 × 3 × 1 तो कितना हुआ, 3 हुआ, देन 1 × 2 × 0 तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, देन 1 × 3 × 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, यानी A1 होगा, ठीक है, A1 होगा। देन अगर मैं A2 के लिए कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, देखिए 1 × 3 × 1 तो ये कितना जाएगा, 1/6 × 3 प्लस 1 × 0 × 2 0 -1 × 3 × 1 तो ये क्या जाएगा, -3 तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर कोई भी A2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा। अब अगर मैं E को देखूँ तो E के अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो E = क्या होगा, 1/6 और ये देखिए 2 × 1 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया, -1 × 2 × 0 कितना आ गया, 0 आ गया, 0 × 3 × 1 कितना आ गया, 0 तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक E होगा, एक A1 होगा, इस तरीके से हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए A1 में जेड आ रहा है, यस, ई में एक्स वाई आ रहा है, यस, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों जो रिप्रेजेंटेशन हैं ये दोनों के दोनों IR एक्टिव होंगे और ये कितनी पीक शो करेगा, IR में ये 2 पीक शो करेगा। ये टेट्रा कार्बोनिल, तो अगर टेट्रा कार्बोनिल होगा तो चारों के चारों कार्बोनिल एक से होंगे और जब ये एक से होंगे तो इस के केस में हमें कितनी पीक मिलेंगी, एक पीक मिलेगी। चारों कार्बोनिल इस कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, TD होगी, सॉरी जो इसका पॉइंट ग्रुप होगा, और ये एक पीक शो करेगा अपने IR स्पेक्ट्रा में। तरीके से बच्चों आपने देखा कि कैसे हम एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अगर कार्बोनिल्स प्रेजेंट हो तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ पीक्स के बारे में बता सकते हैं। तो आपने 3 तरीके के हमने यहाँ पर कार्बोनिल्स पढ़े टेट्रा कोऑर्डिनेटेड में, एक हमने डाई कार्बोनिल पढ़ा जहां पर C2V पॉइंट ग्रुप होता है और यहाँ पर आपने देखा 2 पीक्स आते हैं इसके IR स्पेक्ट्रा में। फिर आपने देखा ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल की अगर हम पॉइंट ग्रुप देखेंगे तो C3V थी और यहाँ पर भी आपने देखा कि 2 पीक यहाँ पर हमें मिलते हैं इसके IR स्पेक्ट्रा में। और अगर हम टेट्रा कार्बोनिल देखें तो ये एक TD इसका पॉइंट ग्रुप है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसकी एक पीक हमें मिलेगी। सो दिस इज all about the vibrational spectra of tetrahedral metal carbonyl complexes. In the next lecture we will discuss about the number of peaks and vibrational spectra of square planar complex. Okay, so thank you very much.